हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरानो। आज हम एक सेटिंग स्प्रे का टेस्टिंग रिव्यू लेंगे कि ये कितना लॉन्ग लास्टिंग है आपके मेकअप को, कब तक ये स्टे रखेगा आपके फेस पे मेकअप को। ये जो सेटिंग स्प्रे है, इसे मैंने जब अपना जब मेकअप करना स्टार्ट किया था, सीखा था, तब से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। और इसका नाम है निक्सी प्रोफेशनल मेकअप मैट फिनिश सेटिंग स्प्रे। ये है प्रोडक्ट। पहले हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बाद हम इसका टेस्टिंग लेंगे। और उसके पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। मैंने इसे कहाँ से परचेज़ किया है? सबसे पहले मैंने इसे नायका से परचेज़ किया है और इसका जो प्राइस है वो है अप्रॉक्स 875 रुपीज़ का। इसे मैंने नायका से बाय किया है और ये 60 ml प्रोडक्ट क्वांटिटी है। आप देख सकते हैं, अच्छी बॉटल है, ट्रैवल फ्रेंडली है, कोई लीकेज का प्रॉब्लम नहीं है। शेल्फ़ लाइफ बहुत अच्छा है इसका, 2 to 3 years का शेल्फ़ लाइफ है इसका। इस ब्रांड के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं क्रुएल्टी फ्री है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाता है, मुझे पसंद है पर्सनली, और इसे प्रोफेशनल्स भी यूज़ करते हैं लॉन्ग लास्टिंग मेकअप को रखने के लिए। तो चलिए, आज आप देख सकते हैं मेरे दोनों हाथों पे मैंने टेस्टिंग के लिए लिपस्टिक्स हैं एंड फाउंडेशन है, लाइनर है, आई शेडो है, ये सब पे हम टेस्टिंग लेंगे। और इसको हम एक ही हाथ पे स्प्रे करेंगे और एक पे हम विदाउट रखेंगे ताकि हमें पता लगे कि कितना लॉन्ग लास्टिंग, कितना मैट रख सकता है। तो हम ट्राई करते हैं इसे, ठीक है? तो यू हैव टू, सबसे पहले आपको इसको शेक करना है, उसके बाद आपको 6 इंच का डिफरेंस होना चाहिए थोड़ा, और उसके बाद आपको इसको स्प्रे करना है। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं तब तक, और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि इसका क्या इफ़ेक्ट आता है। तब तक हम इस वाले हाथ को देख लेते हैं, ये कितना स्मज हो रहा है। देखिए, लिपस्टिक तो हल्की हल्की जा रही है, फाउंडेशन भी निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, लाइनर ठीक है, मेरा थोड़ा मैट लाइनर है तो इट्स गुड। तो लेट इट ड्राई, देन वी विल सी। तब तक हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसका है ना एक डिसएडवांटेज मुझे लगता है, इसका जो स्मेल है ना, वो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है, अदरवाइज़ बहुत अच्छा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम है। और आप इसको कैसे कैसे यूज़ करें वो मैं आपको बताती हूँ। इसको आप फाउंडेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपने पैलेट पे फाउंडेशन लिया है तो उसके अंदर पे आप स्प्रे कर लीजिए इसको। फिर उसके बाद अगर आप फेस पे कर रहे हैं फाउंडेशन, तो लास्ट जो स्टेप होगा आपका, आप फेस पे इसको स्प्रे कर सकते हैं। आप इसको, आपकी जो फाउंडेशन ब्रश है उस ब्रश पे आपको स्प्रे करना है, देन यू जब आपको इसको ब्लेंड करना है आपके फाउंडेशन को आपको फेस पे, आप इसे कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम देखते हैं कि ये ड्राई हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अब देखते हैं क्या क्या निकला है। नाइस, ये मेरा लाइनर है, थोड़ा सा हो गया है ये देखिए, लेकिन एक्चुअली वो थोड़ा सूखा नहीं है, ड्राई नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई। और फाउंडेशन भी बहुत अच्छा स्टिक हो गया है, देख सकते हैं। नाइस, ड्यूई फिनिश है ये मैट, लेकिन ये ड्यूई फिनिश है, बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग रखेगा आपके मेकअप को। आप मतलब मैंने जितना इसे यूज़ किया है ना, 8-8 hours तक ये मेरे मेकअप को एज़ इट इज़ स्टे रखा है इसने। तो आप डेफिनेटली आप इसको यूज़ करें, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बजट फ्रेंडली है, ये 875 का प्रोडक्ट है और बहुत अच्छा ब्रांड है निक्सी। एक अच्छी सेटिंग स्प्रे की ये क्वालिटी होती है कि वो आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखे, आपके मेकअप को, आई शेडोज़ को, लिपस्टिक को स्मच प्रूफ रखे। तो उसी को देखते हुए आप अपने सेटिंग स्प्रे को चूज़ करें। इसके दो प्रोडक्ट्स आते हैं, एक ड्यूई फिनिश आता है, एक मैट फिनिश आता है। मुझे मैट फिनिश और मैट मेकअप जो है वो ज़्यादा पसंद हैं, ठीक है? तो ये मैट है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली। और थैंक यू सो मच। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।